नती जिंदाबाद जो हमसे टकराएगा तो काम अभी तो नहीं अगड़ाई है। किसान दिल्ली कूच कोड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल शंभू बॉर्डर पे ही किसानों ने डेरा डाले हुए। तीसरा दिन आज किसान आंदोलन को हम कहें हो गया है। आज फिर एक बैठक का आयोजन किया गया, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि बातचीत से समाधान निकल सकता है। आज फिर बैठक होनी है, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के जो उग्रोहा है उन्होंने कहा है कि हम रेल रोकेंगे। एसकेएम भी समर्थन में आ गया है, वो टोल फ्री करने की बात कही है। कहीं ना कहीं किसानों को एक बड़ा समर्थन मिल रहा है, लेकिन आज की बैठक पर जो डिपेंड करता है कि क्या रहने वाला है। लेकिन तस्वीरें सोनीपत के कुल्ली सिंघू बॉर्डर की हैं। ये तस्वीरें दिल्ली पुलिस द्वारा एक बार फिर किसानों को यहीं रोकने की तैयारी, और जितनी लेयर की सिक्योरिटी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर है, शायद ही सिंघू बॉर्डर पर रही होगी। सीसीटीवी कैमरे, माइक, वज्र वाहन, इसके अलावा टीयर गैस के लिए गाड़ी खड़ी कर दी गई है। आरएएफ की भारी कंपनियां तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। जो साइन बोर्ड थे वो उतार दिए गए हैं। इसके अलावा बैरिकेटिंग, कंक्रीट, कटीले तार, लोहे के तार, उसके अलावा लोहे की बैरिकेटिंग, पत्थर, मिट्टी से भरे हुए कंटेनर, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि 5 लेयर सिक्योरिटी, इतनी हैवी सिक्योरिटी यहाँ पर है। किसान अब की बार भी दिल्ली में ना घुसे, इसकी तैयारी दिल्ली पुलिस पूरी तरह कर चुकी है। भारी पुलिस बल की तैनाती है। तस्वीरों में देखिए कि टेंट लगा दिया गया है, और टेंट के जरिए जो दिल्ली पुलिस की जो भारी बल टुकड़िया है वो यहाँ पर है। हालांकि सीआरपीएफ की भी टुकड़िया यहाँ पर है। उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ आप देखें कि किस तरह की कंटेनरों के अलावा यहाँ पर ट्रक भी मिट्टी से भरे हुए खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, जिनकी ड्यूटियां लगाई गई है। तैयारी पूरी कर चुकी है कि किसानों को किसी भी सूरत में दिल्ली कूच नहीं करने दिया जाएगा। और उसी के लिए आप तस्वीरें देखें कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर है कि किसान सर्विस रोड हो या फ्लाईओवर हो, कहीं से भी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते, जिसके इंतजाम दिल्ली पुलिस यहां पर कर चुकी है। आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के हों, हरियाणा पुलिस के हों, लगातार कुंडली सिंघू बॉर्डर का दौरा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन इंतजामों के बाद हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि अब देखना आज 5 बजे की बैठक के बाद होगा कि किसान दिल्ली कूच का आह्वान करते हैं या नहीं। अगर दिल्ली कूच का आह्वान करते हैं तो सिंघू बॉर्डर पर इतने ज्यादा इंतजामों के बाद दिल्ली में घुसना लगभग ना के ही बराबर है। देखना अब यही होगा कि किसान दिल्ली कूच के आह्वान के बाद यहां कब तक पहुंचते हैं, या एक बार फिर जो इंतजाम दिल्ली पुलिस ने किए हैं इसी जगह बैठकर किसान लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन करेंगे, या आज बैठक में बात बन जाएगी। सोनीपत सिंघू बॉर्डर से नितिनंद तिल, न्यूज 18। राजू कहाँ से आए हो? कहाँ जाना? पटना से आए हैं। कितने दिन से रुके हुए? 3 दिन हो गया आज। जी 3 दिन हो गया। हाँ जी। तो क्या बताया गया? कब तक रुकना पड़ेगा? अब ये रोड खुलेगा, जाम हटेगा तभी जाएंगे, आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो क्या बना लेगा? चावल है जी। परेशानी हो रही है? परेशानी पूरी है, 3 दिन से खड़े हैं। नाम जयवीर सिंह है, वो इटावा से आए हैं और चंडीगढ़ जाना है। परसों से खड़े हैं रात को, ये सब परेशानी परेशानी और क्या है। तो क्या पूछा हो किसी से? किसी ने बताया होगा? हाँ, बोले बंद है। किसान आंदोलन की वजह से बंद है? हाँ, किसान आंदोलन की वजह से। और वो पुलिस वाले भी निकलने दे रहे हैं। क्या नाम है? जयवीर सिंह। हाँ, ये किसान, ये किसानों की वजह से रोड पूरा जाम कर रखा पुलिस ने, वो जाने नहीं दे रहे। 3 दिन से यहाँ खड़े रुके पड़े, और अर्जेंट का माल था, कंपनी वाले बोलते जाओ जाओ, तो कहाँ जाऊँगा, पुलिस नहीं जाने दे रही। आगे मालिक को बता दिया? कंपनी को बता दिया, कंपनी से बोल तो दिया है कि जाने नहीं दे रहा, आगे पुलिस रोक रखी है, करनाल पे रोक रखे, तो वहाँ से जैसे तैसे निकले यहाँ तक आए और आगे जाने नहीं दे रहे। कहाँ से आए? बॉम्बे से। मुंबई से? क्या माल लेके आए? ये इसमें केमिकल का, केमिकल ये लालू। लालू? हाँ जी। खाने पीने का? खाने पीने का देख रहे हैं आप? खाने पीने का तो जैसे तैसे होटल पे ही खाएंगे। और क्या नाम है? दलवीर। हम पुणे से भर के आए हैं सर, चंडीगढ़ और लुधियाने का माल है। एक फरीदाबाद का था, उसका खाली करके आए, तो करनाल में कल परसों शाम को 5 बजे घुमा दिए शामली वाले रोड पे पुलिस वाले, तो उधर हमारी गाड़ी जा नहीं सकती क्योंकि शामली में रेलवे क्रॉसिंग है। हम घूम के भी जाना चाहें तो नहीं पास होगी, तो वापस खड़े रहे उधर ही रात भर और जागते रहे। इसके बाद सुबह वहाँ से छोड़े तो निकल के आए, तो करनाल फिर यमुनानगर वाले रोड पे घुमा रहे थे, तो वहाँ साइड में लगा के खड़े थे 1 घंटे, फिर वहाँ से छोड़े, तो यहाँ कल से खड़े हैं। अब आगे पता चल रहा है कि जिस रोड पे हमारी गाड़ी जा सकती है उस पे बंद कर रखे हैं। क्या माल है, कहाँ जाना? कार है सर, जीप कार है, जीप कार। लुधियाने का और चंडीगढ़ का माल है अभी बचा हुआ।
डीलर का भी फोन आ रहा है, ट्रांसपोर्ट में बता दिया, ट्रांसपोर्ट बोल दिया कि आप जाना नहीं किसी के बताने से जब तक मेन रोड खाली नहीं रहेगा या उधर से गाड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी गाड़ी हाइट है, पास नहीं होगी। चलो अमरजीत पाल ठीक है।